फ्रेंड्स ये आए हैं हेलो सर डेनी के फैमिली चटी बाबू डेनी जो कि जर्मन शेफर्ड है। नो बोलना। हाथ देखो मेरी बात सुनो, ऐसा हाथ दोनों फोल्ड करो, मैं बता रहा हूँ वैसा करो, दोनों हाथ फोल्ड कर देना। अब ऊपर उछले तो नो बोलना खाली, बाकी हाथ टच ही मत करना बस। हाँ बस बस, अगर हाथ लगाते रहोगे तो ये चीज ज्यादा कंटिन्यू चलेगी। ये चीज आप हाथ से दूर करोगे ना तो ज्यादा होगा। हाँ नो, फिर बस, तो इसको ये देख के उत्साह तो बनता ही इतना तो फिर भी कम बना नो। तो फ्रेंड्स ये कल का वीडियो है, कल डैनी जाने वाला था। डैनी एक जर्मन शेफर्ड है, हॉस्टल पर आता जाता रहता है और मैंने इसको जब छोटा था जब बिहेवियर ट्रेनिंग दे रखी है। इस बार जब ये आया था तो सर ने कहा था इसे अनलीश का थोड़ा कराओ यार, बात बहुत ज़्यादा पुलिंग करता है। तो पहले मैंने सर को समझाया, देखो हमने जो पीछे इसकी प्रैक्टिस की है वो किस हिसाब से की और आपको अब आगे कैसे करना है, मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मैंने सर को बताया कि जब आप बाहर जाएं तो आप साथ में स्टिक ज़रूर रखें, ये स्टिक आपको सेफ्टी के लिए रखना है क्योंकि अनलीश ट्रेनिंग कराने चाहोगे तो इसे अनलीश छोड़ेंगे तो कभी कोई डॉग से फाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय स्टिक अपने को छुड़ाने में काम आएगी। अब मैंने सर को पहले बोला कि आप मेरे साथ चलें, बच्चों को टैक्सी में बैठवा दिया और फिर सर को लिख गया और सामने उनको दिखाया कि लीश के साथ कैसे चलाते हैं और फिर जो हमने अनलीश की इसकी ट्रेनिंग दी थी वो कैसे करते हैं वो समझाया मैंने सर को। आप वीडियो में देखो आपको समझ में आएगा मैंने इसे अनलीश किया फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ओनर के साथ ये इसको लाइव प्रैक्टिस बोलते हैं, ओनर के सामने किया गया चीज़ हो तो ओनर को भी विश्वास आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ वो भी अपने एरिया में करेंगे। चाहे तो मैंने तो भीड़ भाड़ एरिया वाले में किया है, वो चाहे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे या लेट नाइट नाइट करेंगे तो पब्लिक कम रहेगी, उससे और ज़्यादा उनको बेनिफिट्स हो जाएंगे। और स्टिक सिर्फ हमें दूसरा डॉग अगर कोई इंडियन डॉग या कोई सा भी डॉग झगड़ ले और उनका झगड़ा छुड़ाना हो तो यूज़ करने के लिए रखी गई है, सेफ्टी पर्पस ना कि पनिशमेंट पर्पस। ओके वीडियो में देखा ये हमारे आसपास ही घूम रहा था, यहाँ बच्चे भी थे, बच्चों को भी इसने कुछ नहीं किया, आसपास घूम रहा था। हाँ हालांकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता है पर हमारे बुलाने पर आ जाता है और अगर गोबर वगैरह कुछ भी गलत कर रहा है या किसी घर में चला जा रहा है या कहीं भी इधर उधर जा रहा है तो हम नो बोलते हैं तो वो वापस उससे यू टर्न बैक करके हमारे पास आ जाता है। इतने भीड़ भाड़ में इतने बच्चों के और इतनी गाड़ियों के बीच भी वो अनलीश चलना सीख गया है, तो अब इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो ओनर ही करा सकते हैं प्रैक्टिस मेन। फ्रेंड्स आज शायद वीडियो नहीं बनेगा, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रखा है और फुल रात को भी हल्की बारिश तो हुई है और पानी भी आ गया है, कंटेनर में थोड़ी सी गंदगी कर दी है आज वीरा ने। ये यहाँ है इनके साथ मैगी और खुशी के साथ और एक दो डॉग को हमने यहाँ छोड़ रखा है, बाकी सब डॉग छोड़ने वाले हैं। आज वीडियो शायद नहीं बनेगा, ये देखो टफी और साथ में किसको छोड़ा गया है, चिंकी को, और साथ में छोड़ा गया है क्या बोलते हैं नाम है बेला, इन तीनों को इस तरफ छोड़ रखा है। ये यहाँ फ्रेश हो जाएगा जब जल्दी जल्दी, फिर उन सबको निकालेंगे अंदर से। अब छोड़ा गया पाशा को, आते ही चिंकी और ये दोनों तो पूछो ही मत। जल्दी आप बादशाह, बारिश होने वाली है, जल्दी आ। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो वीडियो अब यहीं तक बनेगा, बाकी कल मिलते हैं सारे डॉग से आप, बारिश स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स इन दोनों को दे दिया गया है, इसे दे दिया गया है, इन सबको भी दे दिया गया है, ये बाहर ही खाती है, बाकी सबको अंदर की तरफ दे दिया गया है। सब खा रहे हैं, तू भी फिनिश कर बेटा, फिनिश पर जाओ। और बारिश स्टार्ट हो गई मैंने बताया जैसे।